जजाकला। ये कलाम इलाही की बरकत ही है कि एक सुकून सा, एक वज्द सा हम पर तारी हो जाता है, और इस कलाम रब्बानी को हम तक, जिन मुस्तफ़ा कमाल ने हम तक पहुंचाया, हम यकीनन उनकी हक में और उनकी हमदो सना में अगर अपनी उम्र लुटा दें तो भी कम है। मैं नात खां के लिए, हमारे यहाँ जो नात खां मौजूद है, नात के लिए दावत दूंगी मुदस्सर हुसैन को। मुदस्सर हुसैन आए। मौजूद सामीन असातज़े गरामी रहमतुल्लाह अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मुहम्मद, या मुहम्मद, या मुहम्मद, या मुहम्मद, या मुहम्मद, या मुहम्मद, ऐसी इज्जत आपने पाई कि बस, या मुहम्मद, ऐसी इज्जत आपने पाई के बस, की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस, या मोहम्मद, एक पल में मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया, एक पल में मुस्तफा को अपने घर बुलवा लिया, अपने बंदे की खुदा को ऐसी याद आई कि बस, या मोहम्मद, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफा के है जमीन पर इतने शैदाई के बस, या मोहम्मद, या मोहम्मद, मैंने जलती धूप में जब छेड़ दी नाते रसूल, मैंने जलती धूप में जब छेड़ दी नाते रसूल, रहमतों की हर तरफ से ऐसी गठा छाई के बस, या मोहम्मद, देख अब भी वक्त है दामन नबी का थाम ले, देख अब भी वक्त है दामन नबी का थाम ले, वरना कल मैं शर्म होगी ऐसी रुसवाई के बस, या मोहम्मद,
उन फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था ए फरोश, उन फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था ए फरोश, दफ़तन मेरे सिराने से सदा आई के बस या मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफ़ा के हैज में पे इतने शदाई के बस। और यकीनन बहुत दिलों को गर्मा देने वाली नात थी, और उससे भी बेहतरीन लहजा और उससे भी बेहतरीन आवाज़, और बहुत ही मौजूद सामीन। कई कदावर यहाँ पर मौजूद है, कदावर अदीब, कदावर शायर, कदावर अफसाना निगार, जिनके लिए मैं ये कहूँगी कि मेरी खुशनसीबी है कि आज उनके सामने रूबरू होने का मौका है मुझे। और ये भी खुशनसीबी है कि आज जब सारी दुनिया उर्दू को समेटने की बात कर रही है, हमारे घरों से, हमारे निसाब से, हमारे इदारों से, तो आज हम खुशनसीब लोग यहाँ बैठे उसी उर्दू के शहदाई यहाँ उसका जिक्र कर रहे हैं और उसके सिमत और रफ्तार तय कर रहे हैं। शुक्रिया। आगे मैं इस इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं मसनद सदारत पर कुमार साहब ने जिन लोगों को जलवे अफरोज कराना चाहा है, मैं समझती हूँ कि यकीनन वो सब मुस्तहक है इस सदारत के, क्योंकि अलामा इकबाल ने मेरे कारवां के जितने भी खसाइस बयान किए हैं और मेरे सामने जो नाम हैं, मैं समझती हूँ कि वही निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जाँ पुरसोस, वो सब इन शख्सियात में मौजूद है। मेरी मुराद सबसे पहले प्रोफेसर नासिर मिर्ज़ा साहब, वैशी सईद साहब, डॉक्टर एजाज अशरफ साहब और नज़ीर जौहर साहब से है। मैं फ़र्दन फ़र्दन इन सभी को ऐवान सदारत में तशरीफ़ आवरी की आवाज़ के लिए आवाज़ देती हूँ। सबसे पहले प्रोफेसर नासिर मिर्ज़ा साहब को कि वो मस्जिद सदारत कबूल फरमा कर हमें एज़ाज़ बख्शें। मैं जनाब वहशी सईद, पता नहीं मेरे जहन से कभी वहशी सईद लफ्ज़ नहीं निकलता, मेरे दिल में हमेशा इनके लिए एक उमड़ता हुआ जो मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर है। मैं शायद इनके सामने कभी कह ही नहीं पाई, मैं वहशी लफ्ज़ से इनको कभी मुखातिब नहीं करती, क्योंकि अगर यकीन माने आप, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कभी कभी जब मैं गिल्ड की बात करूँ, फिक्शन राइटर्स गिल्ड की, कि ये वहाँ मौजूद नहीं होते लेकिन इनका साया हमेशा वहाँ मौजूद रहता, और उन्हीं की बदौलत शायद आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। इनके लिए एक शेर अर्ज है, ज़र्बे ख्याल से कहाँ टूट सकेंगी बेड़ियाँ, ज़र्बे ख्याल से कहाँ टूट सकेंगी बेड़ियाँ, फिक्रे चमन के हम रिकाब, जोश जुनू भी चाहिए। सईद साहब से गुजारिश है अदबन कि वो ऐवान सदारत में तशरीफ लाएं। मैं डॉक्टर एजाज अशरफ, ठीक है, मोहतरमुल मुकाम नज़ीर जौहर साहब, फिक्शन निगार है, साबिक डायरेक्टर सिविल सप्लाईज कश्मीर भी रह चुके हैं, इनसे अदबन गुजारिश करती हूँ कि वो मस्जिद सदारत में तशरीफ लाएं। आप सब मेहमानान का फर्दन फर्दन इस्तकबाल के लिए मैं गुलाम नबी कुमार साहब को दरख्वास्त देती हूँ कि वो यहाँ आकर आप सब का फर्दन फर्दन इस्तकबाल करें।
इसकी तल बुलाया, इनको ही बुलाया, आप शायद कहीं और थे, असल में जहां साहब पीछे थे वहां तक आते आते यहाँ उनको थोड़ा सा जो वक्त लगा वो वक्त शायद कुमार साहब कहीं और पहुंच गए थे। इसके मैं अब कुमार साहब को दावत देती हूँ कि वो इस्तकबालिया पेश करें, आप सबका फर्दन फर्दन इस्तकबाल करें ताकि मजलिस की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। ऐवानी सदारत में तशरीफ़ फरमा सुदूर हजरात, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, सफ़े सामईन में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा साहिबान और ख़वातीनो हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। उम्मीद है आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इदारा शेखुल आलम एजुकेशनल